फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और जितने भी बड़े हैं उन्हें प्रणाम, और जितने भी छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। यहाँ देखिए राजवीर बाबू हीरो बने हुए हैं सुबह सुबह। ऐसे नमस्ते कैसे करना चाहिए? नमस्ते तो ऐसा है ना, राजवीर बहुत खुश है। इसका खुशी का कारण ये है कि आज घूमने जा रहा है। क्या क्या करोगे जाके? पहले हम लोग मॉल ऑफ रांची जाएंगे। हाँ, फिर हम लोग सैनिकाची नाम है मार्केट जाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, घूमेंगे, फिर हम लोग घर आएंगे। तो ऐसा है ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि राजवीर की गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई, हम लोग को हैदराबाद जाना पड़ गया। राजवीर कहीं घूम नहीं पाया तो वो अपने भैया यानी हैप्पी को डेली बोलता था, भैया कहीं घुमा दो, गेम खिला दो। तो आज सैटरडे है तो आज काम भी था हमें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटी की शादी है तो छोटी के लिए भी कुछ सामान लेना है हमें। क्यों देखिए, यहाँ पिंकी भी तैयार है, पिंकी को भी कुछ कुछ लेना है सामान शादी को लेकर ही। तो हमने सोचा चलो बच्चा है ये अपना खेल लेगा, घूम लेगा। बच्चे के साथ बच्चे की मम्मी भी खुश है, देखिए कितना। ये शादी के बाद मेरा पहला शादी है, मतलब मेरा पहला नहीं शादी, मेरे घर का पहला शादी है। हाँ, जैसे हाँ। मेरी शादी के बाद एक ननद थी उनकी शादी हुई, देवर की शादी हुई तब ये देवरानी आई, और इसके बाद घर में शादी नहीं, मतलब अब तो हैप्पी का भी काफी समय है। तो छोटी की शादी हो रही है तो बहुत खुश है पिंकी, बहुत एंजॉय करने वाली है वो। तो आप लोग देखिएगा ही ब्लॉग में, सारे ब्लॉग्स आएंगे। तो अब हम लोग वही रांची जा रहे हैं, राजवीर घूम भी लेगा और सामान भी खरीद लेगा हम लोग। ये पता हमको लगा ना, अभी गया है ये क्या बोलते हैं राजवीर टट्टी करने, अरे नहा वहा के निकल। मम्मी नहा लिए, वाह, रोज इसको आधा घंटा बोलना पड़ता है, हर दिन की अपेक्षा ज्यादा ही फुर्ती है राजवीर में। तो चलिए फैमिली चलते हैं पहले कहाँ बेटा? मॉल ऑफ रांची, वहाँ राजवीर को गेम खिलाते हैं, फिर हम लोग जाएंगे अपर बाजार, वहाँ से कॉस्मेटिक आइटम खरीदना है। ये देखिए हम दोनों का पर्स सेम है, ये हैप्पी बनारस गया था तो लाया था बड़ी मम्मी के लिए और छोटी मम्मी के लिए। चला जाए बाबू, चला जाए, चल बेइज्जती करेगा। तो हम लोग निकल गए हैं घर से, और बाल मैंने इसलिए खुला रखा है ना कि अभी गर्मी के दिनों में हम लोग बाल से भी नहा लेते हैं ना, नहाते हैं तो बाल के ऊपर भी दो तीन मग पानी डाल ही लेते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है। तो बाल भींगा हुआ था इसलिए खुला रखा है, बाद में बाल को समेट लूंगी। ऐसे भी गर्मी के दिनों में बाल खुला रखने का तो मन नहीं करता है कि नहीं? तो राजवीर तो बहुत खुश है, और घर में सबके लिए चावल बना लिया है, हम चारों तो बाहर ही खाना खाएंगे। तो सबका चावल बना के अभी 11:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं घूमने। हम लोग पहुंच चुके हैं रांची मेन मार्केट, और यहाँ नज़दीक में ही शालू जी का भी घर है। तो दोनों भतीजे अपनी बुआ से मिलने गए हैं और हम लोग चले शॉपिंग करने। हम लोग हैं अभी अपर बाज़ार में, इस जगह को अपर बाज़ार बोलते हैं जो रांची में ही है, और इस दुकान का नाम है दुल्हन बैंगल्स। तो यहाँ ना मतलब अच्छी अच्छी चूड़ियाँ और जो भी कॉस्मेटिक आइटम है वो अच्छे दाम पे यहाँ मिल जाते हैं। दुकान आपको देखने में छोटा लग रहा है बट यहाँ का सामान बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और पैसों के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है ये दुकान हमें। हाँ हाँ, अच्छा ये सब चूड़ा जो है ये सब कितने का होगा? ये वाला ग्रीन वाला झुमका कितने का है? देखते हाँ, सुना रख दे। तो शॉपिंग हो गई हमारी हमारी और छोटी की, अब जाएंगे राजवीर गेम खेलने। राजवीर खाना खाने लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, पहले गेम खेलोगे ना? पहले गेम खेल लो, पहले गेम खेलेगा ना, पहले खाना, भूख लग गया। अच्छा भूख लग गया तो पहले कुछ पेट पूजा होगा, उसके बाद राजवीर गेम खेलेंगे। पेट पूजा फिर काम दूजा फिर हम लोग घर जाएंगे और हम लोग शॉपिंग कर लिए।
कितना खुश थी। बउआ तो आप लोग देख ही रहे हैं राजवीर यहाँ आके कितना एंजॉय कर रहा है, खुश है। और वो अपने भैया से बहुत दिन से, हम लोग हैदराबाद में थे वहाँ से आने वाले थे ना, उसी समय इसने हैप्पी से प्रॉमिस करवाया था कि भैया यहाँ आना, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं जा पाया हूँ, तो मुझे गेम खिलाने एक दिन रांची ले चलना, मॉल ले चलना। तो हैप्पी को ये बात याद थी, उसके दिमाग में थी। तो जब हमने प्लान बनाया ना कि जाना है, कुछ सामान लेना है, तो हैप्पी ने कहा कि ठीक है राजवीर भी चलेगा, सैटरडे उसकी छुट्टी भी थी, तो राजवीर भी चलेगा, राजवीर भी वहाँ अपना गेम खेल लेगा, घूम फिर लेगा। और मुझे खुशी है कि हैप्पी अपने छोटे भाई की फीलिंग समझता है, बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाता है। फैमिली हो गए शाम के 5 अभी और हम लोग जा रहे हैं घर, थके हार। हम लोग का बैटरी डाउन हो गया। राजवीर का डाउन हुआ है कि नहीं? राजवीर का बैटरी डाउन हो गया। इधर देखो, डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया। और लास्ट में क्या खाना है? पिंकी का फेवरेट खिचड़ी। नहीं अभी क्या मेरा फेवरेट खिचड़ी नहीं है। फुचका यानी पानी पूरी लास्ट में ये खाएगी, उसके बाद घर जाके हम लोग सोच रहे हैं शनिवार भी है तो खिचड़ी बना लिया जाएगा खाना में। अब कुछ भी खा ले, कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खा ले, लेकिन जब तक फुचका नहीं खाते हैं ना तब तक वही हम लोग प्लान करते हुए जा रहे हैं घर जाके पहले चाय पियेंगे, क्यों थोड़ा सा बैठ के गप करेंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी की चटनी जो खा रात के खाने में, उसके बाद बैठ के इस वीडियो को एडिट करूंगी। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज़ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।